Dear students, welcome in the lecture on cyclopentadienone complexes. Okay, तो प्यारे बच्चों आपका स्वागत है इस cyclopentadienone complexes के वीडियो लेक्चर में, जहां पर हम देखेंगे कि cyclopentadienone जो लिगेंड्स हैं वो किन्हें हम कहते हैं, वो कितने प्रकार के हो सकते हैं, कैसे उनसे मेटल कॉम्प्लेक्सेस बनाए जा सकते हैं और उनके जो कॉम्प्लेक्सेस हैं उनका यूज क्या है. बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स हैं ऑर्गेनोमेटलिक केमिस्ट्री में. दे एक्ट्स एज कैटालिस्ट बिकॉज ऑफ देयर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी. आप देखेंगे क्या उनकी प्रॉपर्टी ऐसी होती है जिसकी वजह से वो कैटालिस्ट की तरह एक्ट करते हैं. तो अगर हम cyclopentadienone को देखें तो आप याद करिए कि अगर मैं cyclopentadiene बनाऊं, ठीक है, cyclopentadiene देखिए ये है, तो अगर cyclopentadiene में से अगर हम क्या रिप्लेस कर दें, जो हाइड्रोजन से हैं, इफ दे आर रिप्लेस्ड बाय ऑक्सीजन, तो ये क्या बन जाएगा, cyclopentadienone लिगेंड बन जाएगा. ठीक है, तो cyclopentadienone इज द डेरिवेटिव ऑफ cyclopentadiene. अगर हम इनको देखें कि किस किस तरीके के cyclopentadienone हो सकते हैं, तो सिंपल cyclopentadienone हो सकता है जिसमें कि ये सारे ग्रुप्स क्या होंगे, H होंगे, या फिर ये ग्रुप्स क्या हो सकते हैं, देखिए मिथाइल और फिनाइल का मिक्सचर हो सकता है, जैसे इसका नाम है 2-methyl ट्राइफिनाइल cyclopentadienone. ओके, या फिर ये चारों ग्रुप्स देखिए एक से हैं, ये फिनाइल ग्रुप है, तो इसको टेट्राफिनाइल cyclopentadienone कहते हैं या इसको टेट्रासाइक्लोन भी कहते हैं. तो ये टेट्रासाइक्लोन कहला रहा है. तो एक ग्रुप ये है जहां पर आप देखेंगे कि जो cyclopentadienone है वो इंडिविजुअल लिगेंड की तरह है, इंडिविजुअल रिंग है. लेकिन यहां पर अगर आप दूसरे तरीके के जो cyclopentadienone लिगेंड देखेंगे, तो वहां पर आप देखेंगे कि जो cyclopentadienones हैं उनकी जो रिंग्स हैं वो फ्यूज्ड हैं, उसकी जो रिंग है वो फ्यूज्ड है. देखिए यहां पर आप देखेंगे कि ये एक एरीन ग्रुप है, ये एरीन ग्रुप है, और यहां पर cyclopentadienone फ्यूज्ड फॉर्म में है. इसको हम फ्लोरिनोन कहते हैं. ये इंडिनोन है, जहां पर आप देखेंगे कि इसका एक डबल बॉन्ड वाला साइड जो है वो इस बेंजीन रिंग से फ्यूज्ड है. तो इसकी वजह से इसकी प्रॉपर्टी एकदम चेंज हो जाएगी. क्यों चेंज हो जाएगी, क्योंकि आप देखेंगे कि जो इसके डबल बॉन्ड्स हैं, ये डबल बॉन्ड्स ऐसे लगते हैं कि इसके अपने नहीं है. देखिए, इन दीज cyclopentadienones द डबल बॉन्ड इज अ पार्ट ऑफ एरोमेटिक रिंग. ये डबल बॉन्ड किसका पार्ट है, एरोमेटिक रिंग का पार्ट है. तो ये जो डबल बॉन्ड है ये करेक्टरिस्टिक नहीं है इस cyclopentadienone के. तो ये फ्रीली हम ये नहीं कह सकते कि cyclopentadienone कॉम्प्लेक्स जो यहां से बनेगा वो प्योरली cyclopentadienone होगा, क्योंकि ये करैक्टरिस्टिक जो है, ये डबल बॉन्ड जो है, ये इस एराइल ग्रुप का जो पार्ट है. ओके, और इसी में आप देखिए यहां पर, लेकिन यहां पर जो फ्यूजिंग है वो अलग तरीके की है. देखिए यहां पर आप देखिए कि ये जो बेंजीन रिंग है ये बिल्कुल अलग है, और ये जो डबल बॉन्ड है ये बिल्कुल अलग, यानी ये जो cyclopentadienone है ये आपको बिल्कुल अलग से दिखाई दे रहा है, और इसके डबल बॉन्ड्स जो है वो बिल्कुल इसकी करेक्टरिस्टिक है. यहां पर आप देखिए, अगेन आप देख सकते हैं कि ये डबल बॉन्ड्स इसकी करेक्टरिस्टिक है. फ्यूजन है सी साइड से, डबल बॉन्ड की साइड से फ्यूजन नहीं है, अलग साइड से फ्यूजन है, इसलिए डबल बॉन्ड्स जो है वो cyclopentadienone के ही पार्ट दिख रहे हैं. ऐसे ये जो कंपाउंड है, जहां पर आप देखेंगे कि ये जो डबल बॉन्ड है ये इस cyclopentadienone के पार्ट हैं. तो इसका मतलब है कि जो cyclopentadiene है, फ्यूजन उसका दो तरीके से हो सकता है. एक तो ये फ्यूजन है जहां पर डबल बॉन्ड फ्यूज कर रहे हैं एरोमेटिक रिंग से, और दूसरा यह है कि जहां पर उसका सी पार्ट है, या हम कह सकते हैं जहां पर सिंगल बॉन्ड था वहां पर वो फ्यूज कर रहा है. तो यहां के जो डबल बॉन्ड है दे आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ cyclopentadienone, ठीक है, डाइनोन्स के. अब अगर हम यहां पर देखेंगे तो एक जो तीसरे तरीके के जो cyclopentadienone है वो क्या है, बिस टेट्रासाइक्लोन्स. तो आप देखेंगे कि दो टेट्रासाइक्लोन्स होंगे. ये देखिए एक टेट्रासाइक्लोन है और ये दूसरा टेट्रासाइक्लोन है. अगर मैं आपको फिर से दिखाऊं कि टेट्रासाइक्लोन क्या है, देखिए ये है कि जहां पर चार ग्रुप अटैच्ड होते हैं और फिनाइल ग्रुप है. अब इसमें से एक फिनाइल ग्रुप रिप्लेस हो रहा है, तो ये क्या कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं. देखिए दो ग्रुप है. अब ये देखिए यहां पर जो टेट्रासाइक्लोन है, यहां पर जो चौथा जो C6H5 है वो इससे रिप्लेस हो गया है. ये भी C6H5 है एक्चुअली. ये कंप्लीट अगर आप देखेंगे तो C6H5 टेट्रासाइक्लोन है, दूसरा टेट्रासाइक्लोन है, ये दोनों एक वाई
ब्रिज के दो जुड़े हुए हैं, ये वाई कुछ नहीं भी हो सकता है, इट मे बी सी एच टू, एक्चुअली इट मे बी सी एच टू, ओके, इट मे बी ओ, ये ओ हो सकता है, ये एस हो सकता है, ये सी एच टू होल ट्वाइस हो सकता है, ये सी एच टू होल थ्राइस हो सकता है, ये सी एच टू होल फोर हो सकता है, ये वाई कुछ भी नहीं हो सकता है, दोनों डायरेक्ट जुड़ जाए, एक टेट्रासाइक्लोन दूसरे टेट्रासाइक्लोन से जुड़ा, तो ये भी साइक्लोपेंटा डाइईन का ही डेरिवेटिव है। तो इस तरीके से आप देखेंगे तीन क्लासेस हैं साइक्लोपेंटा डाइईनोन जो लिगेंड है उसकी। अगर हम टेट्रासाइक्लोपेंटा डाइईनोन का एक स्पेशल कॉम्प्लेक्स की हम बात कर रहे हैं, आयरन ट्राइकार्बोनिल कॉम्प्लेक्स, तो ये कॉम्प्लेक्स बहुत काम का है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स है, और ये जो कॉम्प्लेक्स है अभी आप देखेंगे इसकी इंपॉर्टेंस, ये कैटालिटिकली एक्टिव है, इसकी कैटालिटिक एक्टिविटी है, कॉस्ट इफेक्टिव है, आसान है इसको बनाना, कम पैसे में बन जाएगा, इजीली एसेसेबल, आसानी से बन जाता है, और ये प्री कैटालिस्ट की तरह यूज होता है होमोजीनियस कैटालिसिस में। होमोजीनियस कैटालिसिस भी हम पढ़ेंगे आगे लेक्चर्स में। होमोजीनियस मींस की जो 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 मिक्सचर होगा हमारी रिएक्शन मिक्सचर वो होमोजीनियस होगा, यूनिफॉर्म होगा, वहां पर कैटालिस्ट की जो फिजिकल स्टेट है वो भी यूनिफॉर्म होगी, तो जनरली ये प्री कैटालिस्ट की तरह एक्ट करता है। प्री कैटालिस्ट आप देखेंगे कैसे ये एक्ट करता है। अब ये जो इसकी जो कैटालिटिक एक्टिविटी है, इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नॉन इनोसेंट लिगेंड्स, जो इसमें नॉन इनोसेंट लिगेंड प्रेजेंट होता है, इस मॉलिक्यूल में नॉन इनोसेंट लिगेंड कौन है, साइक्लोपेंटा डाइईनोन, जिसकी जिसकी वजह से जो जो सेंटर है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो क्लियर नहीं होती है। तो ये साइक्लोपेंटा डाइईनोन एक स्पेशल लिगेंड है जो कि नॉन इनोसेंट लिगेंड कहलाता है, जिसकी प्रेजेंस की वजह से मेटल सेंटर की जो 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 स्टेट है ऑक्सीडेशन स्टेट वो क्लियर नहीं होती, और इसी की वजह से ये कैटालिटिक एक्टिविटी शो करता है। ओके, तो ये जो जनरली जो कॉम्प्लेक्सेस कंटेनिंग नॉन इनोसेंट लिगेंड्स वो क्या करते हैं, वो रिडॉक्स एक्टिव होते हैं, कम पोटेंशियल पर भी वो रिडॉक्स रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, एंड दे जनरली दे कैटालाइज द रिडक्शन ऑफ पोलर मल्टीपल बॉन्ड्स, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स कर सकते हैं, सी सिंगल बॉन्ड सी एंड सी एन बॉन्ड का फॉर्मेशन, इस तरीके की रिएक्शंस को ये क्या कर सकते हैं, कैटालाइज कर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है साइक्लोपेंटा डाइईनोन कॉम्प्लेक्स का। तो अगर आप यहां पर देखेंगे, ये देखिए, ये एक साइक्लोपेंटा डाइईन कॉम्प्लेक्स डाइईनोन कॉम्प्लेक्स है, जहां पर आप देख रहे हैं कि ये आयरन के साथ दो कार्बोनिल ग्रुप जुड़े हैं, और इसके साथ एक आप देख सकते हैं वेकेंट साइट है, इस आयरन के पास एक वेकेंट साइट है, तो ये साइक्लोपेंटा डाइईनोन कॉम्प्लेक्स है। ये क्या कर सकता है, आसानी से हाइड्रोजन ऐड कर सकता है, और हाइड्रोजन ऐड करके ये इस तरीके का हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटा डाइईनाइल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, जहां पर आप देख रहे हैं इस हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन यहां जुड़ेगी और एक हाइड्रोजन यहां पर जुड़ेगी। तो ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है ये पार्टिसिपेट करता है कैटालिटिक एक्टिविटी में, तो ये एक प्री कैटालिस्ट की तरह एक्ट करता है, और एक्चुअली कैटालिस्ट जो होता है वो ये होता है। ये अभी आप देखेंगे ये क्या करता है, ये हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर सकता है, और हाइड्रोजन एक्सेप्ट करके ये जो हाइड्रोजन है इस फॉर्म में आ जाएगा, और इस हाइड्रोजन को ट्रांसफर करेगा और वापस इसी फॉर्म में आ जाएगा। तो ये इसकी बहुत एक जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस साइक्लोपेंटा डाइईनोन कॉम्प्लेक्स का वो है, क्योंकि ये कई तरीके की जो कैटालिटिक एक्टिविटी है वो शो करता है। यहां पर आप देखिए ये हाइड्रोजन ट्रांसफर कर सकता है, और आसानी से क्या कर सकता है, हाइड्रोजनेशन ऑफ CO2। ठीक है, तो आपने देखा था यहां पर हमारे पास ये प्री कैटालिस्ट था, ठीक है, तो ये प्री कैटालिस्ट था, और इसने क्या किया, हाइड्रोजन से रिएक्ट करके ये इस तरीके का एक हाइड्रोक्सी कॉम्प्लेक्स दिया, और ये हाइड्रोक्सी कॉम्प्लेक्स क्या कर सकता है, CO2 को आसानी से क्या कर सकता है, अपनी हाइड्रोजन ट्रांसफर कर सकता है, और अपनी हाइड्रोजन ट्रांसफर करके इसको किस में बदल दिया, HCOOH में, और खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आप जानते हैं अपने आप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइक्लोपेंटा डाइईनोन कॉम्प्लेक्स में इस तरीके का कॉम्प्लेक्स वापस मिल जाएगा। तो ये जो है यहां पर R1, R2, R3 है, तो इस तरीके से ये कैटालिटिक एक्टिविटी शो करता है कि ये हाइड्रोजन ट्रांसफर में बहुत हेल्पफुल है।
देखिए हाइड्रोजन को खुद में ऐड किया है और उसी हाइड्रोजन को वो दूसरे मॉलिक्यूल को दे रहा है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को दे रहा है, इसका हाइड्रोजनेशन कर रहा है और इसको एसिड में कन्वर्ट कर रहा है, तो एक कैट और खुद वापस कैटालिस्ट की फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन ट्रांसफर में इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है जो साइक्लोपेंटाडाइइनोन कॉम्प्लेक्स है। दूसरा आप देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल कन्वर्जन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बन मोनोऑक्साइड, ये इलेक्ट्रो रिडक्शन है जहां पर किसी ब्रोस्टेट एसिड की जरूरत नहीं होती है। तो ये जो साइक्लोपेंटाडाइइनोन कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स क्या करता है, इस CO2 को ये ट्रांसफर करने का काम करता है, ये क्योंकि किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पर OH जुड़ जाएगी और ये क्या करेगा फिर CO2 को हाइड्रोजन ट्रांसफर करेगा और हाइड्रोजन ट्रांसफर करके इसको किसमें कन्वर्ट कर देगा, CO में कन्वर्ट कर देगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे ये इलेक्ट्रोकेमिकल कन्वर्जन कर सकता है, कैटालिस्ट की तरह एक्ट होता है। फिर आप देखेंगे कि अगर हम देखें जो साइक्लोपेंटाडाइइनोन एल्कोहल कॉम्प्लेक्सेस हैं उनको हम देखें, वो भी बड़े इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स हैं, तो आप देखेंगे कि ये जो इसकी फॉर्म है प्री कैटालिस्ट के बाद, ये जो कैटालिस्ट बनता है हाइड्रोजन को लेने के बाद, ये क्या करता है, ये कीटोन्स से रिएक्शन करके देखिए एल्कोहल कॉम्प्लेक्स बना रहा है। ये देखिए ये कीटोन है और ये कीटोन, ये देखिए आयरन के साथ यहां पर ये ऑक्सीजन जुड़ा है और ये आप देख सकते हैं ये एच और इसके साथ क्या बना रहा है, ये OH बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, और उसके बाद आप देखेंगे कि ये जो है ये बहुत अनस्टेबल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, जो साइक्लोपेंटाडाइइनोन एल्कोहल कॉम्प्लेक्सेस हैं दे आर वेरी अनस्टेबल कॉम्प्लेक्सेस, और उसके बाद ये क्या होते हैं, ये यहां से निकल जाएगा बहुत कम समय में और इसने क्या बना दिया, देखिए एल्कोहल बना दिया। तो आप ये कह सकते हैं कि ये कीटोन्स को एल्कोहल्स में कन्वर्ट करता है और खुद किस में कन्वर्ट हो गया, देखिए साइक्लोपेंटाडाइइनोन कॉम्प्लेक्स में। तो ये साइक्लोपेंटाडाइइनोन ने हाइड्रोजन ली, वो हाइड्रोजन इन्होंने ट्रांसफर कर दी इस कीटोन को, क्या बनाया, पहले आप देखिए एक कॉम्प्लेक्स बनाया जो कि एल्कोहल कॉम्प्लेक्स था, ये एल्कोहल कॉम्प्लेक्सेस दे आर वेरी अनस्टेबल, तो फिर ये इस कीटोन को एल्कोहल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कितने इंपॉर्टेंट ये कैटालिस्ट की तरह एक्ट करते हैं। ओके, आप यहां पर देख सकते हैं कि ये देखिए एक जो साइक्लोपेंटाडाइइनोन कॉम्प्लेक्स से ये हाइड्रोजन को लेने के बाद ये क्या बना, कैटालिस्ट बना और ये टोलुइन D8 की प्रेजेंस में देखिए इस बेंजोइक एसिड से रिएक्ट कर रहा है। रूम टेम्परेचर पर 10 मिनट में ही रिएक्शन हो जाती है और क्या बन जाता है, देखिए यहां पर अगर आप देखेंगे तो एक ये इस तरीके का कॉम्प्लेक्स बना है जहां पर आपने देखा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और ये क्या बन गया है, साइक्लोपेंटाडाइइनोन एल्कोहल कॉम्प्लेक्स विच इज वेरी अनस्टेबल, और रूम टेम्परेचर पे एक घंटे से ज्यादा अगर इसे रखेंगे तो तुरंत से ये क्या दे देगा, ये हमें ये देखिए एल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया है इसने, ये इस ग्रुप को CO ग्रुप को और एल्कोहल में कन्वर्ट करके ये खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आप देखेंगे ये खुद ये साइक्लोपेंटाडाइइनोन कॉम्प्लेक्स में रहेगा। तो इस तरीके से आप देखिए ये कैसे हाइड्रोजन को ट्रांसफर करने में हेल्पफुल है और जो CO ग्रुप है या आप कह सकते हैं COH ग्रुप है या CHO ग्रुप है, सॉरी बेंजलडिहाइड है, ये क्या है, बेंजलडिहाइड, तो CHO ग्रुप है या CO ग्रुप है यानी कार्बोनिल ग्रुप को ये एल्कोहल में कन्वर्ट करता है इसकी कैटालिटिक प्रेजेंस में। अब आप देखिए यहां पर हाइड्रोजन ट्रांसफर कैसे कर रहा है, देखिए बहुत ही इसका जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो आप देखेंगे, देखिए ये एक हाइड्रोजिनेशन क्या कर सकता है, कीटोन्स का, एल्डिहाइड्स का, इमीन्स का, आइसोलेटेड सी डबल बॉन्ड सी का, CX का, NO2 का, इन सब का हाइड्रोजिनेशन कर सकता है क्योंकि ये हाइड्रोजन ट्रांसफर करने में माहिर है। ओके, तो अब देखिए ये जो मेरे पास जो साइक्लोपेंटाडाइइनोन था वो हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करके उसने ये कैटालिस्ट बनाया और ये क्या करेगा, ये इस जो जो कीटोन है इसको, या ये एल्डिहाइड हो सकता है, यहां पर एच ग्रुप है तो ये एल्डिहाइड है, तो इसको क्या कर रहा है, देखिए इसको ये एल्कोहल में कन्वर्ट कर रहा है, रूम टेम्परेचर पर ही हो रहा है, देखिए टोलुइन की प्रेजेंस में 20R में, और यहां पर देखिए आप ये जो कीटोन है इस कीटोन को ये किस में कन्वर्ट कर रहा है, एल्कोहल में, 36 घंटे के अंदर ये रिएक्शन हो जाएगी। तो हाइड्रोजिनेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है इस पर्टिकुलर जो साइक्लोपेंटाडाइइनोन कॉम्प्लेक्स
सोर्स है जो आयरन का, उसका बहुत पर्टिकुलर एस्पेक्ट है। अब आप देखिए जो एल्कोहल्स हैं, फ्री एल्कोहल्स कोऑर्डिनेटेड एल्कोहल से क्या कर सकती हैं, एक्सचेंज हो सकती हैं। ये इन इस तरीके के कॉम्प्लेक्सेस के केस में देखिए, यहां पर हमारे पास एक एल्कोहल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, साइक्लोपेंटाडाइनोन का एल्कोहल कॉम्प्लेक्स है, जहां पर आप देखेंगे कि ये देखिए दूसरा एल्कोहल आ गया। तो जब दूसरा एल्कोहल आ जाएगा तो ये क्या करेगा, आप देख सकते हैं इस एल्कोहल साइक्लोपेंटाडाइनोन कॉम्प्लेक्स की रिएक्शन दूसरे एल्कोहल से जब हम करेंगे तो यहां से देखिए ये एल्कोहल निकल जाएगा क्योंकि अनस्टेबल है, ये एल्कोहल देखिए निकल गया और यहां पर ये एल्कोहल क्या हो गया, बाइंड हो गया। देखिए तो ये एक नया एल्कोहल साइक्लोपेंटाडाइनोन कॉम्प्लेक्स बन गया है। तो इस तरीके से ये एक्सचेंज भी कर सकता है दो एल्कोहल्स के बीच में, फ्री एल्कोहल को कोऑर्डिनेटेड एल्कोहल से क्या करेगा, रिप्लेस कर सकता है। ओके, अब ये जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसका, ये हाइड्रोजन बोरोइंग करता है। ये मैंने आपसे कहा कि बोरोइंग मतलब किसी से हाइड्रोजन ले सकता है इजिली, और जो हाइड्रोजन लेने के बाद ये क्या कर सकता है, एल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकता है, और हाइड्रोजन बोरोइंग के बाद ये क्या कर सकता है, एमिनेशन, एक नई तरीके। देखिए हाइड्रोजन बोरोइंग तो हम समझ गए कि किसी से स्पीसीज से हाइड्रोजन को बोरो करके, उसको बोरो करके वो एक दूसरी स्पीसीज बनाता है एक्चुअल में, जो एक्टिव कैटालिस्ट होता है, और वो एक्टिव कैटालिस्ट क्या करता है, एल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन करता है एल्डिहाइड में। ये नई टाइप की रिएक्शन बता रही हूं मैं आपको, जहां पर हाइड्रोजन बोरोइंग के साथ साथ एमिनेशन भी होगा सेकेंडरी एल्कोहल्स एंड डायोल्स का। और एमिनेशन क्या होता है, एमिनेशन है एमीन ग्रुप का ऐड होना एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में। तो ये दो प्रोसेस ये कर सकता है साथ साथ। आप देखिए ये एक प्री कैटालिस्ट, हमने कहा एक प्री कैटालिस्ट की तरह एक्ट करता है, जो कार्बोनिल कंपाउंड है ये साइक्लोपेंटाडाइनोन कॉम्प्लेक्स है, ये एच न्यू की प्रेजेंस में क्या करेगा, ये जो कॉम्प्लेक्स है ये इस तरीके का कंपाउंड बन जाएगा कि एक इसमें क्या बच जाएगी, एक यहाँ पर आप देख सकते हैं एक वैकेंट साइट है। अब ये क्या करेगा, ये यहाँ पर एल्कोहल है, इस एल्कोहल के साथ रिएक्ट करेगा, तो ये एल्कोहल क्या करेगा, इसके साथ बाइंड होके एक एल्कोहल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा। देखिए ये एच यहां बाइंड हो गया, एक एच से ये यहां बाइंड हो जाएगा, तो यहां पर हमें क्या मिल जाएगा, यानी ये जो कॉम्प्लेक्स है इसका ये एच और ये एच इसने बोरो कर लिया, ये जो प्री कैटालिस्ट है वो इस कैटालिस्ट में कन्वर्ट हुआ, इस कैटालिस्ट ने ये जो एल्कोहल था यहां से हाइड्रोजन को बोरो किया। देखिए एक हाइड्रोजन ये ले लिया और एक हाइड्रोजन ये ले लिया, एक हाइड्रोजन को बोरो करके यहां OH बना दिया और दूसरा हाइड्रोजन को बोरो करके यहां फिट कर दिया। ये हाइड्रोजन बोरोइंग करता है, ये आपने पहले भी देख लिया। तो जब ये बोरोइंग कर देगा तो क्या बना देगा, आर डबल डैश आर ट्रिपल डैश सी डबल बॉन्ड ओ। तो इसने क्या बना दिया, देखिए कीटोन बना दिया कीटोन, इसको एल्कोहल में कीटोन में कन्वर्ट कर दिया, और एल्कोहल में को कीटोन में कन्वर्ट कर दिया है। ओके, और ये देखिए ये कॉम्प्लेक्स बना दिया जो हम कह रहे हैं कि हाइड्रोजन को बोरो करके ये बनाया, ठीक है, हाइड्रोजन को बोरो करके। अब अपना हाइड्रोजन क्या करता है, ये जो हाइड्रोजन है ये किसको दे देगा, यहां दे देगा, यहां कहां देगा, पहले हम देखते हैं कि ये देखिए कॉम्प्ली कैटालिस्ट था, प्री कैटालिस्ट ने सोलर की प्रेजेंस में ये कैटालिस्ट बनाया, इसने एल्कोहल से रिएक्ट किया, इससे हाइड्रोजन बोरो करके ये बना दिया, ये कॉम्प्लेक्स बना दिया, और खुद किस में कन्वर्ट हो गया, कीटोन में जो एल्डिहाइड है, ठीक है। अब ये एल्डिहाइड क्या करेगा, एमीन से रिएक्शन करेगा, इसको एमिनेशन कहते हैं। ये एमीन ग्रुप जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है उनके साथ बाइंड होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, और ये देखिए आर डैश एन सी आर ये हमें मिल जाएगा। जब हमें ये मिल जाएगा, ये इमीन मिल गया, हमें क्या मिल गया, इमीन, ये क्या है, इमीन, और ये इमीन क्या करेगा, ये यहां से हाइड्रोजन ये देखिए ट्रांसफर कर रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन ट्रांसफर, और हाइड्रोजन ट्रांसफर होने के बाद ये हमें एक प्रोडक्ट मिल रहा है, फाइनल प्रोडक्ट जो अमीन प्रोडक्ट मिल रहा है, तो ये वो प्रोडक्ट है। और उसके बाद जब ये हाइड्रोजन ट्रांसफर कर देगा तो वापस इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं, देखिए एक साइकिल है, कैटालिटिक साइकिल है, और कैटालिटिक साइकिल के थ्रू हाइड्रोजन बोरोइंग एंड एमिनेशन दोनों तरीके की ये जो रिएक्शंस हैं, डायोल्स में भी ये यही काम कर सकता है, अगर दो ओएच ग्रुप्स होंगे तो वो भी वही काम करेगा, यानी उनको कीटोनिक ग्रुप में कन्वर्ट कर देगा और उसके बाद उसका एमिनेशन करेगा, एमिनेशन करेगा।
इसी तरीके से हम देखेंगे जो साइक्लोपेंटाडाइनोन कॉम्प्लेक्स है वो कैसे एक डाइओल को देखिए क्या करेगा, पहले हाइड्रोजन बोरोइंग करवाएगा, यहां से हाइड्रोजन निकलेगी और उसके बाद आप देखेंगे कि ये एमिनेशन के थ्रू एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा। तो डाइओल्स में भी, सेकेंडरी एल्कोहल्स में भी ये साइक्लोपेंटाडाइनोन कॉम्प्लेक्सेस कैटालिस्ट की तरह एक्ट करते हैं। इसी के साथ हम देखेंगे कि हम इस लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया उसको हम कंपाइल करेंगे और हम देखेंगे कि इससे हमें साइक्लोपेंटाडाइनोन की जो कॉम्प्लेक्सेस की जो इम्पोर्टेंस है वो हमें पता चली इस लेक्चर को पढ़ के। तो आप देखेंगे जो साइक्लोपेंटाडाइनोन है उसको हमने देखा कि वो एक डेरिवेटिव है साइक्लोपेंटाडाइन लिगेंड का। ये तीन तरीके का हमने देखा, एक तो फ्रीली है जहां पर आपने देखा कि जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं एच को रिप्लेस कर सकते हैं, फिर आपने देखा फ्यूज्ड साइक्लोपेंटाडाइनोन लिगेंड हो सकता है जहां पर डबल बॉन्ड जो है वो एरोमेटिक रिंग के पार्ट है, दूसरा फ्यूजन आपने देखा जहां पर डबल बॉन्ड जो है वो साइक्लोपेंटाडाइनोन के ही पार्ट हैं, और तीसरे तरीके की रिंग्स आपने देखी जहां पर जो बिस जो टेट्रासाइक्लोन्स हैं वो दो मॉइटी जुड़ के बिस टेट्रासाइक्लोन्स का फॉर्मेशन करते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट जो इनका एस्पेक्ट आपने देखा वो है कैटालिटिकली एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं। जनरली जो साइक्लोपेंटाडाइनोन आयरन ट्राइकार्बोनिल कॉम्प्लेक्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स है जो कि ऑक्सीडेशन कर रहा है, और आप देखेंगे ये कुछ एग्जांपल्स हमने लिए हैं लेकिन ये सीसी बॉन्ड बनाने के लिए सीएच बॉन्ड बनाता है, सीएन बॉन्ड बनाता है, ये करता है क्योंकि इसकी जो स्पेसिफिसिटी होती है ये जो इसका जो कैटालिस्ट है ये प्री एक्टिव कैटालिस्ट के थ्रू बनता है। ठीक है, जो ट्राइकार्बोनिल है वो आपने देखा कि जो ट्राइकार्बोनिल था यहां पर कार्बोनिल था एचन्यू की प्रेजेंस में ये एक वैकेंट साइट प्रोवाइड करता है और ये जो मॉलिक्यूल है जो कॉम्प्लेक्स है ये हाइड्रोजन को बोरो कर सकता है और इस तरीके का हाइड्रोक्सो फॉर्म बना सकता है। तो इसलिए ये जो हाइड्रोक्सो फॉर्म है ये हाइड्रोजन ट्रांसफर का काम करती है और ये जो कैटालिस्ट है ये हाइड्रोजन बोरोइंग का काम करती है, किसी कॉम्प्लेक्स से क्या कर सकता है हाइड्रोजन को बोरो करके किसी दूसरे को ट्रांसफर ये कर सकता है। तो ये CO2 को हाइड्रोजिनेशन करता है और ये देखिए आप CO2 को CO में कन्वर्ट कर सकता है इलेक्ट्रोकेमिकली, फिर आपने देखा एल्कोहल कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन कर सकता है लेकिन एल्कोहल कॉम्प्लेक्सेस दे आर अनस्टेबल कॉम्प्लेक्सेस, और ये आप देख सकते हैं कि कोऑर्डिनेटेड एल्कोहल्स को भी ये रिप्लेस कर सकता है, ये भी हमने एग्जाम्पल देखा था जो कोऑर्डिनेटेड एल्कोहल्स है उनको रिप्लेस कर सकता है। उसके अलावा आप देखिए ये कीटोन्स को एल्डिहाइड्स को एल्कोहल में कन्वर्ट करता है क्योंकि यह हाइड्रोजन बोरोइंग कर सकता है, और एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो हमने देखी वो है हाइड्रोजन बोरोइंग के साथ साथ एमिनेशन की रिएक्शन भी ये कर सकता है। इसमें हमने सेकेंडरी एल्कोहल की रिएक्शन देखी और हमने डाइओल्स की रिएक्शन देखी। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट साइक्लो डाइनोन कॉम्प्लेक्सेस। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।